बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आउटपुट क्या होती है। व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट क्या है? एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय एंड सेंट आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कंसिडर्ड आउटपुट। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट। कोई भी चीज़ हमने बात करते हैं जब कंप्यूटर की, तो हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई डाटा देते हैं। उस डाटे पे क्या होती है? कोई प्रोसेसिंग होती है। आपको उसको कुछ प्रोसेस करते हो, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ आती है वो आउटपुट कहलाती है। जिस तरह की इनपुट आप कंप्यूटर को देते हैं उसी तरह की आउटपुट जनरेट होती है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए टेक्स्ट एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट में टेक्स्ट ही मिलेगा। इसी तरह अगर आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ग्राफिक्स दे रहे हैं, इमेजेस पे काम कर रहे हैं, तो आउटपुट भी आपके पास ग्राफिक्स की फॉर्म में ही आएगी। अगर आप माइक्रोफोन के जरिए ऑडियो को इनपुट कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट में आउटपुट भी ऑडियो की फॉर्म में आएगी। इसी तरह वीडियो है, जिस तरह की इनपुट आप कंप्यूटर को देते हैं उसी तरह की आउटपुट आपके पास जवाब में आती है। इस डायग्राम के जरिए भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आपने कंप्यूटर को टेक्स्ट दिया, यानी आपने कुछ इंग्लिश में लिखा, टाइप किया, तो आपके पास आउटपुट भी कैसी आई? टेक्स्चुअल फॉर्म में आई। आपने ग्राफिक्स पे काम कर रहे थे तो आउटपुट भी आपके पास ग्राफिक्स की फॉर्म में आ रही है। आपने इनपुट यानी कोई सॉन्ग प्ले किया तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा? आउटपुट आएगी, यानी आपको सॉन्ग सुनाई देगा। इसी तरह आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसकी आउटपुट क्या, यानी आपको एक फिल्म चलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह की इनपुट होगी उसी के रिस्पांस में वैसी ही आपकी आउटपुट आपको मिलेगी। तो आउटपुट क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट में दे रहा होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी आपने कोई चीज इनपुट की, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और उसके रिजल्ट में आपके पास आउटपुट आ जाती है। यानी कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर हमें दे वो आपकी आउटपुट कहलाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।